अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान पर हमला किया गया। एक साइको बताया जा रहा है उसको, जो ब्लेड के ज़रिए हमला कर दिया गया है। ये नौजवान इंतज़ार कर रहा था किसी फ़ोन का और अपने एक्टिवा पर बैठा हुआ था। अचानक हमला करने से ये नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस में बहुत देर के बाद शिकायत ली गई और इस मामले में उसको हिरासत में लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। जो नौजवान के रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। तकीर रहमान की। ये मेरे दोस्त के भाई थे, इंजर्ड हुआ था, आगे वाला अननोन पर्सन मार दिया था उनको। अभी उसको पकड़ के पीएस में रखे हैं उसको। अभी डीएनआरओ मोतू साहब आए थे, एक्शन लिए इमिडिएटली और एफआईआर भी करे उनके ऊपर। एसआई साहब भी बात करे और इमिडिएटली एक्शन लेंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। बल्कि बोले हमको काचूगोड़ा पे पीएस से हमको यही है कि इंसाफ होना हमारे बच्चे को। अभी बच्चा भी जैसा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है। उन्हें ये हमला करने वाला शख्स जो है पागल है। हमला करने वाला शख्स जो था दूसरा अननोन पर्सन बोला कि नहीं पागल है। बल्कि बोले ऐसा पागल को तो ऐसा रोड पे नहीं छोड़ सकते उसको। उसका कुछ कहूँ तो एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर और उसको जेल में तो भी डालना है। उसको कल रिमांड करना है उसको इमिडिएटली। इसकी वजह क्या है बोल तो, हमारा बच्चा बैठे हुआ था मोबाइल में ऑर्डर लेने के लिए ठहरे हुआ था, तो उन्हें आगे पीछे से अटैक कर दिया उसको। बच्चे को मालूम ही नहीं कौन है, किधर से आया, कहाँ है, बच्चा क्या है, दाढ़ी है, दाढ़ी है बच्चे को। पहले से कोई दुश्मनी है? दुश्मनी कुछ नहीं है, इन्हें अननोन पर्सन है। इन्हें कहाँ से आया, किधर से आया नहीं मालूम, माहौल खराब करने आया इन्हें। इसके ऊपर इमिडिएटली एक्शन लेना और इसको जेल में डालना और इसको क्या करते करना है। काचीगुड़ा ACP साहब के भी मैं मुताबला करता हूँ और DNR मुतो साहब भी कॉपरेट करे इसमें और SI साहब भी एक्शन लिया इसके ऊपर। जी तो ऑर्डर इन्हों लेके वहाँ ऑर्डर के लिए वेट करने के लिए बैठे थे। इन्हों पीछे से आके इनके ऊपर अटैक कर दिया है। और एक बच्चा इनके जो नवाज नाम थे, उन्होंने देखे अरे ये तो हमारा दोस्त है बोल के इसको बचा के उसको धक्का मार के पत्थर फेंक दिया। उन्हें पत्थर डाल दे रहा था आंख पे उनके, पत्थर से अटैक करा, उन्हें गनट से अटैक करा। पागल का नाम, उसका एड्रेस कुछ नहीं बोल रहे, इन्हें डिस्ट्रिक्ट का पता। ये बस्ती में जो चलते फिरते वाले बोले पागल है, ऐसी करता बोल के बोले। इसी पहले 2 डेज पहले ऐसा काम करा बोल के बोले थे ऐसा। अभी उसके ऊपर अब कैसे से अभी मालूम हुआ। अभी हमें इमिडिएटली हम गए थे PS को, साहब आए थे, बड़े साहब आए थे, DNR साहब आए थे, उन्होंने एक्शन लेने लगा है इसके ऊपर और जो सर कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी इमिडिएटली FIR भी हो गया उसके ऊपर। अभी उसके ऊपर मालूम नहीं करे, बैकग्राउंड वेरीफाई कर रहे हैं उसका, भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया उसके ऊपर। अभी चल रहा, अभी कार्रवाई चल रही है उसकी। भाई का किसी का कहना है कि उनको जब ही छोड़ दिए फौरी पुलिस स्टेशन से। अभी बोल रहे थे बच्चे लोग छोड़ दिए बोल तो हंगामा करने से, फिर उसको फिर लेके आके अंदर बिठा के उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया उसका। हमारे से गवर्नमेंट से यही है कि हमारे पुलिस वालों से भी यही है कि बच्चे को इंसाफ। मेरा नाम शेख मुनव्वर है, मैं शॉप शाम है। तो मेरे मंजे भाई जो थे शेख अजमत फोन करे, उन्होंने यानी कि बोले कि मियाँ छोटे भाई को एक्सीडेंट हुआ बोले, उनके दोस्त बोले यानी कि सीखी वाले एक्सीडेंट हुआ बोले शायद। तो हमने सडनली क्या करे बोले कहाँ है भाई, किधर है, तो श्री शराब में, श्री शराब हॉस्पिटल को ले लेके काचीगुड़ा के पास। तो जब उनकी हालत देखे वो सीरियस है बहुत, ना बातचीत है ना कुछ, होश में रहते ना ऑलरेडी, उनके पास होश में रहते ऑलरेडी। उसमें तो उन्होंने सोचे क्या करेंगे क्या करेंगे, तो उनके जो सीखी के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोले आदमी को पकड़े हम लगा काचीगुड़ा PS में ले जाके दिए, मगर एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे उनके पास। तो मैं क्या चलो भाई आप लोग चलो हम जाके देखेंगे अपन क्या बोले एक्शन लेने का। जब गए PS को तो उन्होंने ऑलरेडी गेट के बाहर मस्त मज़े से बैठे हुए सुकून से। तो हमने बोले ऐसा आदमी एक सीरियस से हॉस्पिटल में अपने मौत के लिए लड़ रहा उन्हें, अभी बंदे को सीरियस ऐसा छोड़ दिए खुले आम बैठा हुआ है, आप एक्शन लियो। हाँ हैंड ओवर करे थे हमने उनके पास, हैंड ओवर करे गेट के पास कुर्सी डाल के पानी का बॉटल दे के बिठाया उनको। अच्छा सुकून है उन्हें क्या करा माना, अच्छा सुकून से बैठा हुआ। हमने जाके बोले ऐसा कहीं को बिठाए, एक बच्चा गया दूसरा बच्चा जाएगा, मैं हम ये बोले तो जाके क्या करे ASI साहब जाके ऊपर बात करे तो क्या करे, कंप्लेंट नहीं लेते मोर, कंप्लेंट एक्शन नहीं करते मोर, बैठो 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 बोल के कितनी देर तक बिठा दिए। उसके बाद हमने जाकर हमने 106-107 दोस्तों हो गए, थोड़ा गड़बड़ी गड़बड़ी इशारा करे, तो जब क्या करे पेपर लिखे, पेपर लिख के क्या करे बाजू खटा के रख दिए, पिटीशन डाल के ये सब का नाम है वहाँ अंदर क्या है
कांस्टेबल जितने भी पेपर लेके लिख के रख दिए, लिख के अंदर हम ना क्या करें, अब हो जाता ना तो हम हॉस्पिटल को आए, हॉस्पिटल को आने चेक करेगा अंदर, फिर अपने जो भी है चेकिंग कर से आते हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट के लिए, पुलिस वाले आके देखे करें, उसके अंदर फिर जाके हमने बोले एक्शन हुआ नहीं हुआ, एक्शन हुआ नहीं हुआ, फिर हमारे भाई साहब क्या करे, साहब को बुलाए, सर्कल साहब सुल्तान मजार बुलाया, लिमिटेड एक्शन हुआ, सिवाने वाला के इन्हें नशा एक नहीं दो कर चुका था, एक गांजे की हालत में भी था। तो जब वो बच्चा, जब मुताबिला जो बच्चा था, जब वीडियो देखे ना सीसी वीडियो खोल के, तो उनको जो सीगी के ऑर्डर के लिए फ़ोन में इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, ऐसी अट्टी वावे बैठे हुए हैं, उन्होंने बैठे हुए है चेकिंग कर रहे, उन्होंने बैठे हुए इंतज़ार वेटिंग के लिए, उन्हें पीछे से आके बैक साइड से आके मारा, मारा इसलिए कि बाने बोल रहा उनकी समझ में ये नहीं आ रहा, उन्होंने दाढ़ी वाले भी है और उन्हें दोस्तों साहब बोल उनके वहाँ पर बोला तुर्कुल्लू बोला करते, तुर्कुल्लू बोले तो यानी कि मुसलमान, इन्हें क्या मजहब खराब करने के लिए भी बोल रहा है ये बात, तासीयत बना उसका क्या हराम बना वो नहीं माना, ऐसे लोग आ रहे तो अपने को अकेला था फुल नशे की हालत में, उसको ये नहीं मानूँ कि कोई मारे तो भी था, होश नहीं है उसको, और पी एस में था डरा रहे थे भी होश नहीं होने, फुल मस्त है ने एकदम, जवान को भी मार के पैर तोड़, यानी कि पुलिस वाले जब पुलिस वाले पकड़ के उसको ले जा रहे तो पुलिस वाले के जवान को भी मार के पैर तोड़ चुका ऑलरेडी, हाँ जी होम गार्ड का पैर को पूरे मारा लेके भे वो जगह पे मारा ने उसको पकड़ के लेके आ रहे तो होम गार्ड के पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस वाले हमारा जाके जब दोबारा पूछे तो इन्हें मेंटल है पागल है, यानी कि एड्रेस दे रहा हूँ स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पागल है, मैं जब फाइल्स में देखा चेक करा तो उसमें आरएडी एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें सगरअडी कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कामारेडी डिस्ट्रिक्ट कुछ लिखा हुआ है, जब बोल रहे हम लगा तो नहीं सुन रहा, तो नहीं आरएडी गांजा हो या शराब हो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसको चीज़ को रोको, एफ आई आर हुआ है अभी, एफ आई आर हुआ अभी डेढ़ घंटे में हम लोग कापी देंगे आपको, एफ आई आर कापी देंगे ना 3 बजे तक अवल है, इसके बाद क्या है देखेंगे, मगर ये गांजा और ये नशा करने वालों को हम डिपार्टमेंट से कहना चाह रहे हैं कि पुलिस से कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कि इस चीज़ को रोको, क्यों बोले तो बस्सी रन दो या गली रन दो, आज एक शेख इनूस का मसला है तो दूसरा मसला रहेगा, कहीं और कोई टारगेट होएगा किसी के ऊपर भी होएगा, अब फिलहाल को एसीओ में होने सीरियस मैटर पे जीरा होने हमला, सिक्स ब्रदर है, सिक्स ब्रदर में हमारा वो भाई जो है ना एकदम बोला एकदम सीधा साधा इंसान है ना, उन्हें मानने की हालत में भी नहीं है किसी को, उन्हें खुद ही परेशान है। गांजा पीले अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम, अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में, पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।